नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने और के बाहर आ रहे हैं। चेहरे पे खुशी साफ तौर पे झलक रही है। इधर भी सर का पांचवा अटेम्प्ट है। सर हमारे साथ सर भी हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। सर नाम बसंत सिंह, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है NIT नागपुर से। अच्छा, NIT। अभी आप कार्यरत हैं सर कहीं जॉब में की? नहीं, मैंने छोड़ दी है अभी छोड़ दी है। मतलब वो टसन UPSC का और UPPSC का जो स्वैग था उसको देखते ही लगता है कि आपने जॉब स्किप की है। डाइवर्स फील्ड है इसलिए। सर कितने एज से आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, मतलब कितने साल की उम्र में? मैं लेट कमर हूँ, मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 33 की एज में दिया था। 33 साल की उम्र में पहला अटेम्प्ट, यानी जब 33 साल के हो गए यही होती है हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। पहला अटेम्प्ट 33 साल की उम्र में, यानी कि आपने तैयारी 32-31 से करना चालू की होगी सर। यस। और अभी आपकी एज कितनी, कौन सा आपका अटेम्प्ट है? अभी मेरे पास दो अटेम्प्ट और हैं। अभी दो अटेम्प्ट यानी 38 या 37 के पास आप पहुंचे हुए हैं। जी। इसके पहले कई इंटरव्यू आप दिए कि नहीं दिए? इसका मेरा थर्ड इंटरव्यू है। तीसरा इंटरव्यू है, इसके पहले आप दो बार, मतलब नहीं फाइनल नहीं हुआ, दो बार फाइनल नहीं हुआ, इस बार हो सकता है। कितना मिनट तक आपका इंटरव्यू चला? लगभग more than 20 minutes। मोर देन 20 मिनट तक। जी। मीडियम आपका हिंदी कि इंग्लिश? इंग्लिश, इंग्लिश माध्यम है। अच्छा, इस बार ऑप्शनल हटाया, तो ऑप्शनल हटने से क्या एडवांटेज मिला है कि नहीं मिला है? एडवांटेज अब सबके लिए बराबर की फील्ड हो गई है, तो अभी ठीक ही है, मतलब अच्छा है। ऑप्शनल को लेके थोड़ा सा लोगों में वहम भी था कि किसी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मिलते हैं, बट यहाँ पे ठीक। सर मतलब 33 साल की उम्र में आपने तैयारी स्टार्ट की, तो ये बताइए कि स्टार्ट आपने कहाँ से किया, क्या मतलब स्ट्रैटेजी शुरुआत से आपकी रही? गाइडेंस कम था, तो जो एक दो लोग थे जो इस फील्ड में थे उन्होंने बताया कि आप घटना चक्र PYQs पढ़िए, और कुछ बेसिक बुक्स बता दी थी लक्ष्मीकांत विपिन चंद्रा, तो इन सब के साथ तैयारी शुरू की। कितना देर सर पढ़ते थे आप? एक तो बीटेक वाले ही हैं आप, तो मतलब बैठने का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो लगभग कितना देर आप पढ़ते थे डेली? शुरुआत में तो बहुत पढ़ा, फिर बाद में लगा कि ऑर्गेनाइज पढ़ना चाहिए अच्छे डायरेक्शन में, इसकी वजह से गलतियाँ भी हुई, तो अभी 6-8 घंटे तो पढ़ लेता हूँ। रेगुलर जरूरी है, परमानेंट? अभी मैं अर्निंग के लिए कुछ करता भी हूँ, तो अभी मतलब जो टाइम मिलता है कभी 4 ही घंटे कभी 2 ही घंटे, तो इसे। सर कौन कौन सी बुक स्टैंडर्ड फॉलो करें छात्र? लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, विपिन चंद्रा, और इसके अलावा ज्योग्राफी की NCERT, और एनवायरमेंट का है ये शंकर IAS की बुक अच्छी है। ये मैंने साइंस टेक के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, घटना चक्री पढ़ा था, तो बाकी घटना चक्र से PYQs, और बस उम्मीद करते हैं दो अटेम्प्ट बचा हुआ है इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए। सर आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मित्र एक साथ ही आए और हंसते खेलते आप लोग बाहर आ रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू अच्छा गया होगा ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।